जैसे सीआईओ ने शुभम को बिठाया नहीं, तब वो बोली कि मर्डर मैंने किया है, इसको क्यों बिठा रहे हो? अच्छा, शुभम की माँ बोली है मरवाने वाली यह है, अगर मेरा बेटा घबरू हो जाएगा और इसको मारेगा, बाप ने घी दे दिया अरे ओ मार दिया, ओ हमको भी धमकी देते हैं अगर तीन चार मन तो और मन मारने हैं। अच्छा, हाँ, किसने धमकी दी है? धमकी दी है, ये जगून दी है। ये जगू कौन है? ये जगू इसका साला है विनोद का। अच्छा, हाँ, अगर मैं चार मन सन और मारूंगा, एक कप्तान न मारूंगा, नाम भी लिख लिख दिया उन्होंने पहले ही। हाँ, एक मोनू न मारूंगा, वो मेरे नागा लड़का है। हाँ, इनसे क्या मतलब, वो है उनकी दुश्मनी क्या है इन लोगों? नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं दिनेश कुमार फिलहाल मैं एचरा खुर्द गांव में मौजूद हूं। यहां पर एक बेटे ने ही बाप की हत्या की है और परिवार वालों का कहना है कि मां का उसमें पूरा पूरा हाथ है कि अपने बेटे के द्वारा अपने पति की हत्या जो है महिला ने करवाई है। अरशुभम को जो अरेस्ट जो करवाया है वो किसने करवाया? फिर आप लोगों को शक हुआ या किसने करवाया अरेस्ट? पता कैसे लगा, इसका खुलासा कैसे हुआ? सर हमें नहीं पता वो कैसे तो अरेस्ट किया, हमें मालूम भी नहीं। तो पहले तो उसके मामा आए यहाँ पे। हाँ, कितने दिन बाद उसके 17 तारीख को जो बॉडी मिली उसके, कितने 21 तारीख को आए वो। तो पहले तो उसके मामा की गाड़ी आई, वो 15 मिनट बाद चल गया। जैसे आई वो बोले भाई मेरी माँ बीमार है, लेडीजों को लेके जाना पड़ेगा। कौन कौन लेडीज थी? जैसे एक तो उसके, अच्छा मतलब वहां से कोई लेडीज आई हुई थी? हाँ, एक तो विनोद की मिसिज थी, ठीक है ठीक है, एक उसकी साले थी। अच्छा, उनको ले जाना होगा। हाँ हाँ, तो फिर जैसे ही वो बात करी इतने में सीआईए वाले आ गए, तो सीआईए वाले की मौजूदगी में वो उनको लेडीजों को भी ले गए और शुभम को भी ले गए। तो जैसे सीआईए वाले ने शुभम को बैठाया नहीं, तब वो बोली कि मर्डर मैंने किया है, इसको क्यों बैठा रहे हो? अच्छा, शुभम की माँ बोली है इसको क्यों बैठा रहे हो? मर्डर मैंने किया है, जो सजा मिलेगी मन मिलेगी। फिर सीआईए वाले उसको लेके नहीं गए, तो जैसे उसके मम्मा और लेके उसको, ये नहीं पता लगा कि भाई सीआईए जो है स्टाफ को इन्फॉर्मेशन किसने दी है, जो मतलब भाई जिसने इन बातों का आप लोगों से भी पहले पता लगा है? भाई आपको भी शक नहीं था लड़का यहाँ पे? भाई आप बता रहे हो कि परिवार में जो लोग आते थे चाय पानी पिला रहा था, उसकी जो विनोद की पत्नी है वो भी घर में मौजूद थी, तो फिर अचानक जो है स्टाफ आ जाता है, तो वो सूचना जो है वो शक किसने हुआ, मतलब कैसे हुआ, अरेस्ट खुलासा कैसे हुआ, वो पूछ रहा हूँ मैं। ना तो हमने किसी को बोला भी हमें इन पर शक है, वो भी नहीं बोला। हाँ, पता नहीं वो किस आधार पे तो उसको लेने आए, या तो उनकी सेटिंग होगी कुछ, हमें नहीं मालूम उसको सीआईए स्टाफ कैसे उसको लेने आया है। जब तक डंप नहीं उठे थे, कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं आई थी, तो पता नहीं वो किस तरीके से आए हैं। क्या जो है जिस तरह से जो है ऑफ कैमरा, मैं बताना चाहूंगा ऑफ कैमरा जो आप जो हमें बता रहे थे कि भाई लड़के ने अपनी माँ को बता दिया था वहां पे जाके, वो क्या कुछ मामला था? उसने लड़के ने जाके बताया एक माँ मैं मटर किया हूँ, वहाँ जाकर अपने मामा के मतलब फिर वह रोने पीटने लगी है थोड़ी घनी, फिर उसके मामा ने पता लग गया, मामा ने तो पता पहले ही था, ये तो बकवास करने वाली बात है। यहाँ जो आए थे उसके मामा आए थे मेरे पास, एक मौसा जी मेरी माँ मरने वाली है, वह बहुत तंग है, हाँ मेरी वे बहन ले जावा, माँ बतरी वे बेहदन की उड़ रही थी, माँ भी ले जाओ के ज्ञान है, मन को बोल दिया भाई ले जाओ। उसके 15 मिनट के बाद सीआई आले आ गए, हाँ वो बोले एक कान मन ले जाके बोलिया एक मामा जी ऐसे ऐसे हमने बेरा लगया है, अरे इसको हम शुभम को ले जा, हाँ माँ भाई ले जो, जब पता लग गया तो हमने ले जो, मैंने क्या करना इसका है वो तो हैरानी हुई होगी एकदम भाई परिवार में कि भाई अपराधी जो है घर में ही था, हैरानी तो होती है। फिर उसका मामा बोला आम के कुना ठाली बैठे थे, हम 3 दिन घूम रहे थे, थारा थारे ने मार दिया, थारे ने तो मार दिया, थारा ही मर गया, तो हमने जुकर करना कर लियो। अच्छा, जो अपराधी है इसमें शुभम है जो मुख्य आरोपी है, उसने क्या कुछ कबूल किया है, क्या हुआ इसमें? उसने कुछ नहीं कबूल किया जी, वो तो बाद में उनके द्वारा कबूल करे, हमारे द्वारा कोई कबूल नहीं करा। कोई बात सामने आई है कि उसने कुछ कबूल किया हो कुछ? अभी तो कुछ नहीं, मतलब वो भिंडारी वाले हैं जो दोयो के नाम ले रखे हैं वो अरेस्ट किए हैं। नाम किसने लिए? वो शुभम ने लिए हैं।
हाँ तो मतलब नाम ले लिए तो उसने कबूल तो कर लिया ना उसने कि भाई मैंने किया है। हाँ कबूल तो कर लिया। जैसे क्या मौका है वारदात पे जो है प्रशासन के द्वारा शुभम को कबूल करने के बाद लेके आया गया है ये मतलब सीनरी क्रिएट करने के लिए कि भाई कैसे क्या कुछ किया सर ना। दोबारा कोई खेत में नहीं आया, कोई खास जांच नहीं हुई। एक बार डंप वाले तो आए थे, कोई नहीं आया उधर दोबारा तहकीकात करने के लिए। एसपी द्वारा चले गए और उसको करड करी कालो बिंडा ले गए ठा गए, वो भी मारे कहीं पास चले गए हैं। हाँ जब रात को 9-10 बजे हम उसको देख आए। हाँ जी अभी देखो एसपी साहब से भी आप लोग मिल चुके हो, क्या आश्वासन दिया है? कोई आश्वासन नहीं, उसको कह दिया जो कार्रवाई बढ़िया चल रही है, हमने जो मर्डर करने वाले थे अरेस्ट कर लिए और क्या, हम किसको फांसी तोड़ा। क्या अपील क्या करते हैं प्रशासन से आप लोग? प्रशासन तो यही थी जी हमारी आत्मा ठंडी हो जाए, जो इनको सलाहकारों को उठाओ, सलाहकार इतनी उठे नहीं हैं, जो हमने लिखवा भी लिए और हमको भी धमकी देते हैं, अगर 3-4 मन तो और मन मारने हैं। अच्छा अच्छा हाँ, किसने धमकी दी है? ये जगुन दी है। ये जगू कौन है? ये जगू इसका साला है विनोद का। हाँ अगर मैं 4 मन सन और मारूंगा, एक कप्तान न मारूंगा, नाम भी लिख दिया उन्होंने पहले ही। हाँ एक मोनू न मारूंगा, वो मेरे नागा लड़का है। हाँ इनसे क्या मतलब वो है, उनकी दुश्मनी क्या है इन लोगों से? वो तो उसको पूछा जाएगा, एक इसने लीले न मारूंगा। हाँ इन लोग। अच्छा आपकी क्या दुश्मनी है उनसे? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा तो भाई ब्याह रखे उधर, कोई दुश्मनी नहीं। ये एप्लीकेशन लगा दी ऐसी, कोई वैसे कोई खास दुश्मनी नहीं हमारी उनसे, बस ये केस के उसमें बस। जी क्या अपील करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से ये अपील करते हैं कि हमें न्याय मिले, पूरी जानकारी के तहत केस को संभाला जावे। जिनके नाम लिखवाए उन पर कोई डिटेल निकाली जावे, फोन वोन की। बिल्कुल जो इसकी माँ है या तो होनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो सारा इन्हें करवा रखा है, या मर जिंदी नहीं, और बच्चे भी बस जिंदे, ना उनका नाश हुआ था ना मारा हुआ था। सर मैंने पूछा तो यू है, मरवाने वाली यह है, अगर मेरा बेटा घबरू हो जाएगा और इसको मारेगा, ये बाप ने घी दे दिया, अरे ओ मार दिया। तो भाई आप देख सकते हैं मामला जो है काफी संगीन मामला, मैं इसको कहूँगा कि एक बेटे ने ही जो है बाप की हत्या की है, और परिवार वालों का, उसके चाचा ताऊओं का जो है ये कहना कि उसकी माँ ने ही ये सब करवाया है, कि मतलब अपने बेटे के द्वारा जो है अपने पति की हत्या करवाई है। अभी जो है इस मामले में पूर्ण रूप से खुलासा वो नहीं हो पाया है, परिवार जो है एक निष्पक्ष जांच की प्रशासन से मांग कर रहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, और जो है इसकी जो है पूर्ण रूप से जो सच्चाई है इस मामले की वो सबके सामने आनी चाहिए, कि भाई ये जो घटना घटी है ये क्यों घटी है, क्या उसके पीछे कारण रहा है, कौन कौन इसमें मुख्य रूप से जो है वो शामिल थे, किसने इस पूरी जो है घटना का जो है मास्टर माइंड जो है, जिसने प्लान जो बनाया है, वो सब चीज़ें जो है परिवार चाहता है कि भाई इसमें जो है परिवार को न्याय मिले, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ये प्रशासन से पूरा परिवार जो है अपील कर रहा है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक ये वीडियो पहुँच जाए, और भाई मामले में जो है थोड़ी सी जो मतलब जल्दी से इस मामले की कार्रवाई हो, और पूर्ण रूप से निष्पक्ष इस मामले की जांच हो सके। इस मामले में कोई और अपडेट अगर हमारे सामने आती है वो भी हम सबसे पहले आप लोगों के सामने लेकर आवांगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए हरियाणा 1008। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।